गाइस मुझे लगता है ट्रिप यहीं पे कैंसिल हो जाना है। अमेरिका चल रही है, टर्की के ट्रिप पे जा रही है। इतना मैं सो रहा मैम और एक घंटा रह गया जाने में। चल गया एंड टाइम पर वो बंद ही नहीं हो रहा है। फातिमा ट्रैक नहीं होगा, ध्यान से जाओ। मामा रोने लग गई है, क्यों मामा? वेलकम टू ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो मैं इधर आई हुई थी पार्क क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई थी तो मैं थोड़ा एंजॉय वगैरह करने आई थी। आप लोग जैसे कि बताएं कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ तो मैं पैकिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है और अभी खतरा भी है कि बारिश इतनी हो रही है कि ट्रिप कैंसिल वगैरह ना हो जाए। तो मैं बस दुआ कर रही हूँ कि और बारिश ना हो। तो अभी मैं आई हुई थी यहाँ पे, ज़ैनब को मैंने बुलाया, वो अपनी ट्यूशन गई हुई थी तो वो भी आ रही है। ठीक है, अभी हम पैकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। वो जी ज़ैनब आ रही है अपनी दोस्त के साथ उधर से इतनी दूर से। गाइस मैंने जूता यहाँ पे उतारा था, मेरा जूता ऐसे से वहाँ पे पहुँच गया है और मेरी जीन्स फुल गंदी हो चुकी है इस टाइम पे। ज़ैनब मैं कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ आप। उसको उधर मस्तियाँ करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, जल्दी आओ। ज़ैनब इधर पता नहीं नाइट सूट में आ चुकी है। ज़ैनब ये तुम चप्पल ना पहनो यार, मेरी भी चप्पल इधर गंदी होगी। आ जाओ, वैसे ही आ जाओ। तो भाई पाँव गीला होना ही इसमें क्या, आ जाओ कोई बात नहीं। इतनी वो क्यों बन रही हो, आ जाओ। डोंट टेल मी ये जूता वो है जो तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो ज़ैनब मैंने गिफ्ट में दिया था, मैं भी नहीं पहन सकती क्या? मतलब नहीं, तुमने ये किसके कपड़े पहने हुए हैं, ये तुम्हारे तो नहीं है। हया को तो बुलाओ, उधर ही खड़ी हुई है उसको। ज़ैनब क्या कर रही हो तू? ज़ैनब चलो एक गेम खेलते हैं, मैं उधर से भाग कर आऊंगी। एक चैलेंज एक दूसरे को देते हैं, ठीक है? इस पानी में मैं भाग के आऊंगी, देखते हैं तुम मुझे क्या देती हो। मैं कुछ भी दूंगी क्योंकि मैं चैलेंज नहीं तुम्हें दे रही। मुझे कोई चैलेंज तो दो ना, फिर मैं वहां से उछल के आती हूँ। कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। तुम्हारा चैलेंज है हया को नीचे गिराओ ना, मुझे पकड़ ही लिया है। ज़ैनब हया को ऐसे पकड़ के लाई हुई है क्योंकि वो अपने जूते नहीं उतार सकती थी। ये कभी तुम्हें, ओह ज़ैनब तुम्हें ये ख्याल कभी मेरे लिए नहीं आया वैसे। इसने कभी मुझे नहीं कहा कि राबिया मैं तुम्हें उठा लूं, उसको पूरा उठा के घुमा के लेके जा रही है। गाइस गाइस ज़ैनब गिर गई है, ज़ैनब और हया दोनों गिर चुकी है और दोनों के पांव और मेरे पांव भी धंस गए हैं। ज़ैनब मेरा जूता फंस गया था, वो निकल नहीं रहा। मेरा जूता घूम गया एक, ये क्या हो गया? निकालने की कोशिश करो यार। ज़ैनब वो निकलो यहाँ से, मेरा पाँव देखो यार। ज़ैनब ये क्या किया? गाइस इस टाइम हमारे से इतना बुरा हो गया, मेरे पाँव इस टाइम पूरे मट्टी में धस चुके हैं। इधर ज़ैनब बाल हटाओ। माना मैं क्या करूँ, चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। मुंह से हटाओ अब, नहीं यहाँ से निकलने की कोशिश करो, जल्दी करो, पाँव निकालने की कोशिश करो। इधर आओ, मैं निकालो, रुक जाओ। गाइस हया के जूतों की क्या हालत हो गई, ओह गॉड। निकलने की कोशिश करो ना, इधर खड़े रहोगे तो अंदर जाते रहोगे। जो यार मैं पाँव नहीं निकल, वो निकल गई, तुम क्यों नहीं निकल रही, जल्दी आओ। ये इतना बुरा हो गया हमारे साथ और मेरे पाँव टाइम कुछ ये हालत है, अपने पाँव दिखाओ। और ज़ैनब जूती उधर ही छोड़ रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है। ये आई थी अपनी तरफ से ज़ैनब की गोद में और ज़ैनब अपनी तरफ से आई थी अंदर। मेरी हालत उससे ज्यादा खराब है। बच्चों इधर आओ, सारे आके इधर से अपने पाँव धो जल्दी से। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारी लड़कियाँ इधर से अपने जो है वो पाँव धो रही है, थोड़े से तो साफ होना है। और फोन की हालत कुछ इतनी खराब हो गई है, जल्दी करो। और अपनी सॉक्स ही धो रही है वो, वाह यार। गाइस मुझे लगता है ट्रिप यहीं पे कैंसिल हो जाना है मेरा और मुझे नहीं समझ आ रही, प्लीज अब और बारिश ना। गाइस उसके नए जूते इतने गंदे हो गए, अपनी तरफ से आई थी कि गंदे नहीं होंगे। गाइस यहाँ से अब जलीलो खवार होके हम जा रहे हैं घर, घर जाके बच्चे अपने आप को आप ठीक करना जो तुम इतनी प्यारी बन के आई थी। अब हम वो गंदे हो चुके हैं, अब घर चलते हैं। आज तो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं और मामा आप लोग लड़कियों की हालत देख ही सकती हैं। आपको पता है क्या हुआ है उधर? मैं उधर पार्क में थी, ज़ैनब और ये भी आई और उधर हम लोग के पाँव जमीन के अंदर जाते कि अंदर निकल ही नहीं रहे थे, इतने धंस गए अंदर पाँव हमारे। देख लिया ना कि क्या कुछ हो रहा है, कितनी बारिशें हो रही है और कितना खतरनाक रोड हुई। मैं यही कही थी लोगों के ट्रिप का कैंसिल ना हो जाए, उसकी हालत भी देखे। हमारे मुझे शॉपिंग करने की पड़ी हुई है। मैं तो शॉपिंग करने पहले गई थी, फिर बाद में हम लोग इंजॉय कर रहे थे तो फिर डूब गए अंदर पानी में। गया ना, तो इसका मतलब क्या बनता है, खुद ही देखो। इसका मतलब बनता है कि ये यहाँ पे है, ट्रिप पे कुछ नहीं है, मैंने सारा पता लगा लिया। बारिश हो रही है, इससे भी बुरी हालत है, तो नहीं जाओ, मैं तो मम्मा कहूंगी इसको। हाँ, नहीं कुछ कुछ बसा नहीं है, मैं बता रही हूँ। बारिशें बहुत हो रही हैं, जो उस साइड पे रह रहे हैं ना वो तुम्हें कमेंट करके बता रहे हैं कि रोड के क्या हालात। चलो आप बता दो भाई क्या हालात है रोड के। फिर इसको परमिशन मिलनी है, ये आज के दिन तो नहीं जा सकती, आज का तो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश सुबह हुई है कि चारों साइड पे पानी लाहौर भरा। यार चलो देखते हैं। खैर मैं जो थी ना वो शॉपिंग करने भी गई हुई थी। तो गाइस मैं ये कुछ ट्रिप की चीजें लेके आई हूँ और ये लोग मक्खियों की तरह देख रही हैं। फातिमा यार मैं बाद में दिखाऊंगी, ये शॉपिंग मेरी हो गई है। नहीं जी मुझे पता था मैं ट्रिप पे जाऊंगी, तुम लोगों ने कहना ये भी ना लेके जाओ, वो भी ना लेके जाओ, कपड़े पहन के जाइए मेरे।
कितनी जला के खोल वापस का, इतनी अच्छी चीज है ना, सारी दिखाऊंगी भी तुम लोगों को। ठीक है, गाइस इधर जो है अब ड्रायर से अपना फोन सुखाया जा रहा है क्योंकि इसके फोन में जो है वो सारा पानी चला गया था। तो गाइस अब हम लोग जो है ज़ैनब की फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ज़ैनब ने कुछ अपना सामान वहाँ पे भूला ही थी और ज़ैनब वो लेने जा रही है। इन दोनों लड़कियों को जो है ना मैंने मैचिंग जूते दिए हैं, दिखाओ जरा अपने दोनों जूते। ये एक मेरा था और एक ज़ैनब का था, अब ये दोनों ने पहन लिए हैं और दोनों ने जो है ना दोनों अभी भी गंदी गंदी हुई हुई हैं और अभी हम फ्रेश वगैरह होंगे। एंड मैं आप लोगों को एक जो तुम्हारी पैंट पहनी है इतनी खुली वैसे की नहीं था, इसका मतलब मैं मोटी हूँ मतलब। तो मैं आप लोगों को जो है ना वो खुश न्यूज़ दे दूँ, मतलब गुड न्यूज़ दे दूँ, खुश न्यूज़ के मामा कह रही है कि रास्ते साफ हैं तुम जा सकती हो क्योंकि आप ही ने हरी भाई ने कॉल करके कहा है कि रास्ते साफ हैं आप भेज दें राबिया को। तो फाइनली मैं जा रही हूँ आज रात को, तो अभी पैकिंग शैकिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा। यस गाइस हमें यहाँ पे कुत्ता दिख गया है और ये लड़कियाँ यहाँ पे लिटरली स्नैप्स खोल के बना रही है, ये दौर आ गया है। कोई बात नहीं, डर नहीं लगता, कुछ नहीं कहता, चलो तुम लोग भी उसी की तरह ही हो, चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो घर भी पहुंच गए हैं, ठीक है। और अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पैकिंग। तो मैं पहले सबको अपनी शॉपिंग वगैरह दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। पहली चीज मामा मैं लेके आई हूँ चप्पली। कैसी है इसने तुम्हें कहा ये चप्पल लाई है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहले फिसलन फिसलन। मामा नहीं, ये वहाँ पे रूम वगैरह पहनने के लिए लाई हूँ ना चप्पल, हाँ बाहर नहीं, बाहर तो घर पे जूते पहनूंगी ना, पहली चीज ये हो गई। और दूसरी जो है जी मैं ये शर्ट लेके आई हूँ प्यारी मम्मा, ऊपर जैकेट पहनूंगी ना इसके, अगली दिखाओ जी गाइस को। और एक मैं ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक लेकर आई हूँ, प्लेन मुझे कोई खास शॉपिंग नहीं लग रही मम्मा, खास नहीं है बस मैं थोड़ी बेसिक व्हाइट प्लेन शर्ट मम्मा। जैकेट्स भी हैं वो देखे, वो जैकेट्स भी पड़ी हुई हैं, ये कुमफुंग पांडा वाली लाई, मुझे पसंद है ये वाली शर्ट, हाँ ये एक लाई हूँ, हाँ ये एक जैकेट लाई हूँ। खैर गाइस ये मैंने सर्दियों के भी कुछ सामान निकाले हैं, अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग। मुझे मम्मा सूटकेस ला के दो, मैं खुद बल के लेने जा रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अजीब सी एंजाइटी हो रही है, ओह गॉड। सो गाइस सबसे पहले देखते हैं जीन्स, अब इन सारी जीन्स में से देखती हूँ मुझे कितनी जीन्स रखनी है, मुझे पैकिंग की कुछ समझ नहीं आ रही। सो गाइस इतना ढूंढने के बाद ऑलमोस्ट मैं बस ये थोड़ी सी चीजें निकाल पाई हूँ अभी तक, बस मैंने ये चीजें निकाली है, सारा गंद पड़ा हुआ है। और मैंने जो है कुछ ये शर्ट्स निकाली हुई है, पूरा घर ऊपर से नीचे लेके आ गई है, पूरा हाल पूरे कमरे सब कपड़ों से भरे पड़े, इनमें से सेलेक्ट करना कि क्या करती है रबिया साहब, आगे पहले खाना खाओ। अब मैं गाइस खाना खाने लगी हूं। सो गाइस हमने खाना खाना खा लिया और यहाँ पे जो है मैंने सारी जैकेट्स की ढेरी निकाल ली है। मामा मैं सूटके से नहीं जा रही हूँ, बस वन वीक के लिए जा रही हूँ, इतना ही होता है, आपको नहीं पता, आप लोग खुद ही बताया कि मैं 8 दिन के इतने कपड़े होते हैं, इतने ही होते हैं भाई, वहाँ पे ठंड है तो पता चले ठंड हो ना मेरी जैकेट्स वेस्ट हो जाए क्या, एक टच में तो पूरे नहीं है। मामा जी आ जाएंगे ऊपर सूटकेस लेने जा रही हूँ, देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। सो गाइस मैं ये वाला जो है सूटकेस लेकर आई हूँ, बट मामा कह रही है कि इसमें सामान पूरा नहीं आएगा मेरा, छोटा है सूटकेस तेरा, छोटा है सामान जितना देखो। मामा मुझे पता है बट ये सारा नहीं रखना, नहीं ये सारा नहीं होगा, इसमें से भी हम छांटी करेंगे और चूज करेंगे कि कौन कौन सा रखना है। छांटी होते लाइक यू नो शफल सेक्शन बनाए, सूटकेस हमेशा खुला होना चाहिए, इजीली चीजें रख सकते मामा, लेकिन वहाँ पे जो जगह है ना वो खुली नहीं है ना रखने की, मसला ये। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं तो ठंड में जाके मस्ती करने वाली हूँ और तुम सब मुझे देख के जैलस हो, मुझे तो तुम सब जैलस हो गए देख के, इतना अच्छा मौसम हो गया है मामा जी, वहाँ अगर यहाँ पे अच्छा है वहाँ पे इसे ट्रिपल अच्छा हो गया, ठीक है। क्या मैंने इतनी बड़ी बड़ी जैकेट चढ़ी, अब बनाते हैं पैकेज कि हमने डे वन पे क्या पहनना है, डे टू पे क्या पहनना है। सो गाइस फाइनली जो है मेरी पैकिंग हो चुकी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतनी चीजें अभी तक नहीं रखी, इतनी कंफ्यूजन हो रही है ना, और मामा मेरे साथ फुल थक चुकी हैं। हाँ कहा है ना बैग बड़ा ले लो, मामा जी पूरा सामान आ रहा है, बस मुझे ये समझ नहीं आ रही है चीजें क्या रखूं, और पैकिंग करना इतना मुश्किल काम है ना, मुझे टोटल एक हफ्ते के कपड़े रखने पड़े हैं, पहली दफा मैं एक वीक के ट्रिप पे जा रही हूँ तो मैं बेहोश होने वाली हूँ, और अकेली जा रही हूँ, पहली दफा आपके, पहली दफा नहीं, एक दफा पहले भी गई थी। गाइस मैंने ये 3 जूते रखे हैं, ठीक है, और इन पर भी जो है मेरी ज़ैनब से हम लड़ाई स्टार्ट हो गई है, और इधर ज़ैनब जो है सही शक्ल ना ही खड़ी है क्योंकि इसको किस जूते से मसला है मुझे बता दो, इन तीनों में से ये तीनों मेरे हैं, रेड वाला देखो दोनों वो मेरे हैं और तीसरे वाले से बस मसला है, और तीसरा वाला मेरा है और मैं लेके जाऊँ, आप ही ने मुझे दिया था ग्रीन वाला तुम्हारा था, चलो ठीक है, लेकिन मैं एक जूता अच्छा लेके जा रही हूँ, मैं रोज रोज थोड़ी जाती हूँ ट्रिप पर, आप तो मुझ पर इतना लड़ोगी, फातिमा देखो मैं पहली दफा ट्रिप पे जा रही हूँ, दूसरी दफा लेकिन चलो ट्रिप पे आप कभी कभी जाते हो, हाँ लेके जाने दो, ये देखो वो सड़ी शक्ल बना के बैठी हुई है, जो दिल चाहता ले दो इस घर से, हाँ मैंने देखो बस 3 जूतियाँ ले गई हूँ, स्त्री से वहाँ पे जरूरत पड़नी है, ज़ैनब को भी ले जाओ, ज़ैनब कह दो जा सिमरन जा, ये मम्मा ये कैसे कहा है, अजय तो ये कैसे कहो, नहीं बोलो जाओ मेरी प्यारी राबिया जाओ, जाओ प्यारी नहीं बोलेगी, मैं तुम्हारी वहाँ से शॉपिंग नहीं करके आऊंगी, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है तुम्हारी वहाँ से लेके आऊंगी, तुम
अमेरिका चल रही है। नहीं नहीं, वहाँ से मैं डिफरेंट रवायती चीजें लेकर आऊंगी। चल ठीक है, देखूंगी क्या लेकर आई है। गाइस मैंने इतना सामान डाल दिया कि अब वो बंद ही नहीं हो रहा। इसके अंदर कौन इतना सामान डालता है, कितना वजन डाल दिया, ऊपर ही नहीं जा रहा, निकाल ले। मामा जी इतना तो नहीं, थोड़े से कपड़े हैं अंदर। गाइस मैंने इतना सामान इधर भर दिया है तो मामा कह रही कि कुछ भी पूरा नहीं आ रहा अंदर। ये जूते लग डालो। मामा यार मैंने सारा फिट किया थी मेहनत से, मामा मेरी सारी पैकिंग ही खराब कर दिया। देख लो नहीं बंद हो रहा। मामा वो ऊपर बैठ के करेंगे ना, हो जाएगा बंद, टेंशन क्यों ले रही है अभी। यार आपने सारी देखे खराब कर दिया। बंद हो जाएगा, आप इसको करें। हाँ हो जाएगा, आप बस खराब ना करें, उधर से उसको दबाएंगे। ओके यार ये जूते हम इसके अंदर डालते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। इतना मैं सो रहा मैम और एक घंटा रह गया जाने में बस। इसको बंद करने के लिए ना मोटी लड़की चाहिए जो ऊपर बैठे और बंद हो जाए। मोटी हम जैनब को बिठाते हैं और जैनब को बिठाते हैं। जैनब जल्दी आओ, सूटकेस बंद करना, तुम्हें बिठाना ऊपर। यो तुम मुझे मोटा समझती हो? क्योंकि हाँ मोटी लड़की चाहिए। सारी 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 बेटा जी, जब मैं चली जाऊंगी ना मुझे मिस करोगी तुम। सबसे ज्यादा मैं जैनब को मिस करने वाली हूँ। आई नो, छोड़ मुझे, छोड़ गया। ये तो यहाँ पे गाइस हैरेसमेंट हो कोई बॉदर नहीं कर रही। मामा ने 2 सेकंड मेरे सारे ट्राउजर्स खोल के अब कुछ खराब कर दी। ऐसा तय करते मैं तो मेरे यार मैं ऐसे ही करते। गाइस तो मुझे पीछे पहनने वाला बैग चाहिए तो मैं लूंगी ये जैनब का जो आप ही ने गिफ्ट किया। अब जैनब से पूछ रहा हूँ पहले। हेलो जैनब, आपकी मुझे एक और चीज भी चाहिए, ये बैग। शुक्र करो अभी मेरा मूड ठीक है इसलिए मैं। अच्छा तो मतलब दे रही हो, मतलब क्या मुझे दे रही हो तुम ये बैग? थैंक यू। अच्छा फिर से हंस दे, मैं जा रही हूँ इसलिए दे रही हूँ। जा रही हो तो मैं तुम्हें मिस करूंगी, रूम मेरा खाली रहेगा। ओहो देखो हया कितनी मेरी प्यारी बहन है। हाँ अभी जब मूड लगा रहेगा। गुड गर्ल। सो गाइस फाइनली हीरा अभी भी शादी से आ चुकी है। आप देख रही हो यहाँ पे सारी जी पैकिंग शेकिंग हो रही है। शादी से आ चुकी हूँ। तुम हाँ। कौन सी शादी पे जा रही हो? मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, आपको पता नहीं है? टटकी के ट्रिप पे जा रही हूँ। नहीं जी बहुत दिन के लिए जा रही हूँ, पूरे एक वीक के लिए जा रही हूँ ना, तो इतनी ज्यादा देरी होती है। आप मुझे छोड़ने जाओगी क्या? किधर? तब अभी नहीं बल्कि जब ये लोग सब जा रहे हैं तो आप जाओगी छोड़ने? बस तक इन्होंने दोस्तों से आगे जाने नहीं छोड़ के आएगी। लेकिन चलो फिर मुझसे मिल लो, मुझसे मिल लो, मैं एक हफ्ते के लिए आपको दिखूंगी। नहीं अभी बाद में मिलूंगी, एक हफ्ते के लिए नहीं आपको दिखूंगी मैं। सोच लो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें इतनी याद आएगी कि प्लीज तुम ना जाओ। हो प्लीज तुम ना जाओ। आपको पता है इन्होंने प्लान बना लिया था कि ना जाए कि वो सैलाब वगैरह आ रहा है, लेकिन फिर मैं जा रही हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचाए और खैरियत से वापस लेके आए हमारी जिंदा सलामत बहन। बस जितनी भी सभी खैरियत सब सलामत रहे। बस जितनी अपनी पैकिंग थोड़ी सी कट करो, मुझे नहीं यार लग रही सही है, इतनी अच्छी होती है। चुप कर, बस हीरापी जितनी खूबसूरत लग रही है उतना मेरा ट्रिप अच्छा गुजर जाए। बिल्कुल अब तो गुजरना ही चाहिए, इसने मेरी तारीफ की है। सो गाइस अब मैं भी जरा रेडी शेडी हो जाती हूँ, फिर हम लोग जो है ना ये बैग को बंद करने, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है ये, तो पहले मैं रेडी होती हूँ। हाँ सबसे करवाऊंगी। तो गाइस मैं रेडी हो गया, हम लोग इतना लेट हो गया कि 2 बजे मेरी बस निकलनी है, ठीक है, और मैं बहुत बहुत लेट हो चुकी हूँ। और ये सारी लड़कियां मुझे क्या बोलती है, तो तुमने 1:30 बजे तो नींद आ रही है। ठीक है मामा जल्दी इसको बंद करें फटाफट से, ये नहीं बंद हो रहा बड़ा मामा यार, एंड टाइम पर वो बंद ही नहीं हो रहा है। फातिमा ट्राई करो, नहीं होगा करे ना, हो क्या है मम्मा, हो गया करे, करे बंद करे, पता चले माँ करे ना दिखाएं करें ट्राई उसमें डालें। मम्मा बड़ा ज्यादा नहीं बड़ा हो जाएगा? आराम से लेके इजी होके फिरना, ट्राई नहीं कर रही है, आराम से उसको करो ना बंद। करें 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 करें, हाँ हो तो गया है। मामा ट्राई नहीं करी, मामा बस करिए बड़ा सूटकेस ले आओ। 9 लड़कियां जो है मुश्किल से इसको बंद करने में लगी हुई हैं। गाइस मैं पूरा जो है ना वो ट्रिपल रेडी पता नहीं हुई हूँ, कुछ भी नहीं। मामा जी कैश दे दें प्लीज, कैश होना जरूरी है। जैनब जल्दी आ जाओ यार, मिल लो मुझसे, मैंने चली जाना है फिर, एक वीक तक नहीं मिलना फिर। बाय। अपनी शक्ल दिखा दे, तुमने क्या लगाया हुआ है? बाय हया, मैं तो बहुत मिस करूंगी ट्रेविस को। बाय बाय। चलो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। बाय बाय हिरापी, हम निकल, ओए मुझे मिलने यार। ओ अच्छा, मुझे लगा ज़ैनब जा रही है। बाय बाय, मैं बड़ा मिस करूंगी आपको यार। झूठ बोल रही है, मैं आपकी दो तीन चीजें चुरा के ले गई हूं, आपको बाद में पता लगेगा। दिखाओ क्या लेके? नहीं मजाक कर रही, कुछ नहीं चुराया, बाद में पता लगेगा। कुछ भी नहीं चुराया, मजाक कर। नहीं वो परफ्यूम मेरा अपना है, ये तो मेरा है, आपका नहीं। चीज की खुशबू से पहचान लेती कि वो क्या है। निकलो मेरी बस निकल जानी है, चलो चलो। हाँ
ओके हिराफे ठीक है, मैं हर चीज पढ़ पुढ़ के आराम से, कोई वो जो कहते हैं ना पंगे लेने की, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करने जा रही है, आराम से सुकून से एंजॉय करके वापस आओ, ठीक है, हमें हमारी बहन बड़ी प्यारी कीमती, ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू, मैं क्यों थैंक यू बोल रही हूँ, चलो यार निकलते हैं, आई मिस यू टू, बाय, आई लव यू, मैं मामा से तो बाद में ही मिलूंगी क्योंकि मामा मेरे साथ छोड़ने आ रही है, फिर से मिल लेती हूं, मिस करूंगी, मुझे पता है, सो गाइस फातिमा हमारी बनी है ड्राइवर, मामा मुझे साथ छोड़ने जा रही है और हया और ज़ैनब मुझे साथ छोड़ने जा रही हैं। खैर अब हम लोग जो है वो निकल रहे हैं जल्दी जल्दी से, मुझे बस है कि बस ना निकल जाए और मैं खैर से पहुंच जाऊं और पापा से मिल नहीं पाई क्योंकि वो जो है वो किसी काम से गए, उन्होंने कल वापस आना है, मैं हिस्से का मिल लेना और मैं बल्कि कॉल पे उनसे बात मेरी हो गई है, दोबारा कर लूंगी, सो आई एम सो एक्साइटेड, अब हम लोग जो है वो बस का वेट कर रहे हैं, तो ये सारी मेरी जो फैमिली है ना ये मेरे साथ साथ आ रही है, तो मुझे बड़ा हो रहा है कि यार खैर अब पहुंचते हैं और देखते हैं उस बस में हमने जाना है, फातिमा तो मेरी मैडम बनी हुई है, वो देखो जरा गाइस हमारा ये बैग ही नहीं चल रहा, पता चले इधर ही टायर खराब, सो गाइस इधर जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, बैठकर बस आएगी तब हम जाके बैठेंगे जब मेरे दोस्त आएंगे, क्योंकि वो लोग जो है दूसरी वहाँ उस साइड वाली बस से बैठे हैं और ये लड़कियां तो पता नहीं चीजें लेने जा रही हैं, लेट हो चुकी थी वहाँ पहुंची नहीं असल जगह, हाँ मैं असल जगह पहुंची नहीं हूँ, मैं बहुत लेट होगी तो वैसे दूसरे जो स्टॉप होता है वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या मिस्ट्री है, अंदर खाना पीना लेने आई हुई है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तो इनको यहाँ पे भी जो है ना खाने पीने की पड़ी हुई है, पापा कभी तो बाहर जाओ यार, हर दफा बस खाना पीना, मैं मुझे चाहिए बल्कि मैं यहाँ से लूंगी, तो मुझे ट्रिप पे खाने पीने की जरूरत है, सैंडविचेस वगैरह ले लेती हूँ यहाँ से मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ आ जाओ, अच्छी रह जाओगी, ये तो कब से रेडी है, मैं ही नहीं, खुद ही नहीं लेकर जा रही हूँ, नहीं मैं जा रही हूँ, तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया अपना जाते जाते, कुछ तो दो ना, ठीक है मैं आऊंगी, मेरे लिए एक सरप्राइज रखना, ठीक है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी, सबके लिए शॉपिंग करके आऊंगी, मैं मेरे लिए तुम्हें पता है क्या क्या लाना होता है, क्या क्या चीजें लानी होती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए जाती हूं गाइस, मैं इनके लिए वहां से शॉपिंग भी करूंगी अच्छी अच्छी, और ये फातिमा ने पता नहीं इधर से क्या क्या चीजें ली हैं, जना बाज आ जाओ प्लीज, और यहाँ के पैसे इकट्ठे कर रही है, मैंने अपने ट्रिप के लिए इतने कम पैसे लिए हैं, बल्कि मुझे हो रहा है मैंने कम ले लिया, मामा से और मांगती हूँ जाकर, सारे बैठ के ऐसे खा रहे जैसे ना मतलब इनका कोई पिकनिक चल रही है, और नीचे देखो चप्पलें उतार के रखी हुई हैं और मामा ने पूरी चप्पल उतार के रखी हुई है, ऐसे ट्रिप पे आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है इनका ट्रिप है, मेरा तो ट्रिप है ही नहीं, इतनी भूख लग गई थी खाना खाना था तुम्हें छोड़ के, और तुम इतना लेट हुई है उनका वेट कर रहे हैं, ये सही है मैं लेट हुई बस मुझे वेट करवा रही है, फाइनली हमारी बस आ चुकी है, मेरे आधे ज्यादा दोस्त जो है वो उसके अंदर है, तो अब टाइम टू से बाय, ठीक है मैं फातिमा को बड़ा मिस करूंगी, एक हफ्ता ध्यान से जाओ और अपना ख्याल रखना, ओके बाय मामा, बस में बैठा के ही जाऊंगी मैं, ठीक है मामा मुझे बाय ही नहीं बोल रही है क्यों, बाय मम्मी, मैं पता मामा मेरा इतना ख्याल रखती है, मैं मिस करूंगी तो कौन ख्याल रखेगा इतना, लेकिन कोई बात नहीं मैं खुद जब इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मम्मा मामा रोने लग गई है क्यों मामा, ऐसे थोड़ी मैं बस एक वीक के लिए जा रही हूँ, उसमें क्या हो गया, खैर बस आ चुकी है, अब निकलने का टाइम हो गया, तो बाय बाय मम्मी लव यू, बाकी फ्रेंड्स भी आ चुके हैं और मामा उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि मेरा ख्याल रखना है, उसके हवाले कर रही हूँ, हाँ सारा ध्यान रखना है उसकी हर चीज का, done, done, done. मैं उसका ख्याल रखूंगी वो मेरा ख्याल रखेगी, और हर जगह पे मुझे बताती रहना, ओके चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, चलो मामा जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ये कह रही है आज सारे जगह मैंने ले, ठीक है और मेरी पीछे से चुगलियां नहीं करनी, मैं पहले कह के जा रही हूँ, बाय बाय, हाँ जी ठीक है ओके, फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं, सो गाइस फाइनली जो है हम लोग निकल पड़े हैं ट्रिप के लिए और हमें बहुत मजा आ रहा है, अभी जो है हम लोग सब सो जाएंगे, तो खैर अभी जो है खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि यहाँ पे मजे की बात है खाना भी मिलेगा, मामा को बता दूंगी कि खाना मिल रहा है यार यहाँ पे, शुक्र है गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, सो होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब